press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बीते एक दशक से राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाने वाले पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम सिंह शेखावत आज कैंसर से जीवन की जंग हार गए। 1976 में सीकर जिले के खुड़ी लक्ष्मणगढ़ में जन्मे विक्रम सिंह बीते 10 सालों से एंटी करप्शन ब्यूरो में चुपचाप काम करते हुए कई घोटालों को खोलने और कई नामी गिरामी बड़ी पहुँच वाले IAS IPS जज जैसे ओहदेदार घूसखोरों को जेल भिजवाने में वे सूत्रधार बने। ACB में पदस्थ रहे, हर DG, ADG, IG या अन्य साथियों की अपने काम की बदौलत जरूरत और पसंद रहे विक्रम सिंह 6 जून की रात अचेत हो गए। मुंबई टाटा से उनका इलाज कराया, फिर वे नारायणा अस्पताल में भी भर्ती थे। उनके अंतिम समय में हम सब इस जांबाज मित्र को वेंटिलेटर पर एक एक सांस के लिए संघर्ष करते हुए बेबस होकर देख रहे थे। हम सब ईश्वरीय सत्ता के आगे असहाय होकर अपनी आंखों के सामने पल पल घुटकर जी रहे दोस्त की मौत के आगोश में धीरे धीरे जाते हुए देखते रहे। बेबस और लाचार होकर हम विक्रम सिंह जी को उनके हाथ थामकर अपने आंसू चुपचाप पीते रहे और जल्द ठीक होने की उम्मीद पालते रहे। जयपुर के वरिष्ठ पत्रकार श्रीपाल शक्तावत ने बताया कि बीते सालों में ब्यूरो द्वारा की गई कार्यवाही और अदालतों में पेश चार्जशीट पर गौर करें तो करप्ट सिस्टम के लिए काल साबित होते रहे विक्रम सिंह शेखावत को आप भी सलाम किए बिना नहीं रहेंगे। विक्रम सिंह की कुछ कार्यवाहियां काबिले गौर रही, मसलन डिप्टी सेक्रेटरी होम अनिल पालीवाल की ट्रैप की कार्यवाही, वहीं INC एडवाइजर महेश शर्मा की ट्रैप की कार्यवाही में भी वे शामिल रहे। उन्होंने SP अजमेर राजेश मीणा की ट्रैप की कार्यवाही में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अजय शारदा केस में भी विक्रम सिंह हमेशा चर्चा में रहे। वहीं नकली देसी घी के खिलाफ की गई कार्यवाही हो या SP कोटा सिटी रहे सतवीर सिंह शेखावत की ट्रैप की कार्यवाही, वहीं सीनियर IAS अशोक सिंघवी माइनिंग करप्शन मामले में भी विक्रम सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। NRHM करप्शन केसेज हो या PhD करप्शन के मामले, विक्रम सिंह का नाम हमेशा इन्हें खोलने वाले लोगों में आगे गिना जाता रहा है। ऐसे कई बड़े भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा करने में अहम कड़ी बने विक्रम सिंह। करीब 10 साल पहले कोटा में अपने ही अफसरों की साजिश का शिकार होकर नौकरी छोड़ खेतीबाड़ी का मन बना चुके थे, लेकिन फिर एंटी करप्शन ब्यूरो में आए और ईमानदार अफसरों का आशीर्वाद मिला तो सर्विलांस के बूते करप्ट सिस्टम के लिए काल बनते चले गए। हालांकि इस दौरान उन्हें ऐसे लोगों ने जी भर दिल पर जख्म भी दिए जिन्हें वह अपने परिजनों से ज्यादा सम्मान देते रहे। विक्रम सिंह के पिता शिवपाल सिंह शेखावत थानाधिकारी थाना बगड़ जिला झुंझुनू के पद पर रहते हुए पुलिस और देश की सेवा में अपराधियों से संघर्ष करते हुए उन्होंने शहादत दी। विक्रम सिंह को एक अफसोस जरूर सलाता रहा कि गोली से मौत की आशंका तो थी, लेकिन वे बीमारी मुझे घेर लेगी ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।